कश्मीर के तरह ये खेल शुरू हुआ है कि पहले बहू बेटी को उठा लो, उसके बहू बेटी को तंग करो, उसके बाद नहीं भागे तो फिर शूट कर दो। ये पूरे खेल है, इसकी साजिश का पर्दाफाश होना आवश्यक है। और इस एसपी को, इस डीआईजी, ये थाना प्रभारी के रहते नहीं, उस जो व्यक्ति धिक्कार है अपने लॉ एंड ऑर्डर संभालने के बजाय वो फोटो सजा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लखीसराय गोलीकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सुबह सुबह पीएमसीएच पहुंच जाते हैं, जहां कटिहार जो लखीसराय गोलीकांड हुआ है उसमें जो पीड़ित परिवार है, यानी जिस भाभी को गोली लगी हुई है, वो जो भाभी, लड़की की भाभी जो हॉस्पिटल में भर्ती है, पीएमसीएच में जिस जो इलाजरत है, उनसे मिलने और उनके परिवार वालों से, उनके परिजन से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचते हैं। तस्वीरें सीधे आपको पीएमसीएच की दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पीएमसीएच पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद बिहार सरकार पर, बिहार पुलिस प्रशासन पर और नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर होते हैं। विजय सिन्हा का कहना है कि इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को लव एंगल दिया जा रहा है, जबकि मुझे तो ये संदेह है कि यहाँ एक पूरा गैंग चल रहा है और ये गैंग कश्मीर की तरह काम कर रहा है कि बिहार की लड़कियों को उठाइए, उन्हें डराइए, धमकाइए और वो नहीं डरती हैं, नहीं पीछे हटती हैं तो उन्हें गोली मरवा दीजिए। और यही अब बिहार में भी हो रहा है, एक पूरा गैंग काम कर रहा है। तो देखिए विजय सिन्हा सुबह सुबह पीएमसीएच पहुंच जाते हैं और पीड़ित परिवार से, लखीसराय गोलीकांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार पर, बिहार पुलिस प्रशासन पर, खासकर लखीसराय पुलिस पर जमकर बरसते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो अपराधी के सामने पुलिस प्रशासन जो है, कानून व्यवस्था जो है, वो घुटने टेक रखी है और इस पूरे मामले पे लीपापोती की जा रही है, इस पूरे मामले को अलग ही एंगल दिया जा रहा है, लव एंगल दिया जा रहा है, जो कि सच्चाई नहीं है। क्या कुछ विजय सिन्हा का कहना है, किस तरह से उन्होंने बिहार की तुलना कश्मीर के साथ कर दी है और ये कहा है कि बिहार में भी कश्मीर जैसा हरकत किया जा रहा है, बिहार में भी लड़कियों को, बेटियों को, बिहार की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, वो बेटियां अगर नहीं डर रही हैं तो उन्हें गोली मार दी जा रही है। विजय सिन्हा की तमाम बातों के साथ और उन तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। देखिए जो नरसंहार हुआ है उसमें तीन लोग तो डेथ कर गए, एक की स्थिति जो प्रीति है बहुत सीरियस है, उसके पिताजी से मिले हैं, उनका ऑपरेशन ब्रेन का हुआ है, एक और उसकी भाभी महिला जो है यहाँ, उनका भी गोली अभी तक नहीं निकला है, डॉक्टर लोग तो इलाज कर रहे हैं लेकिन अभी भी स्थिति नाजुक है। हम लोगों ने कहा है कि जो भी हम लोगों से मदद चाहिए हम लोग मदद करेंगे। प्रीति का एक महीने का बच्चे है, काफ़ी वो रो रही थी। ये पूरी तरह से इतनी बड़ी जघन्य हत्या जो किया गया है दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज अभी इनसे जो मिले हैं, इन्होंने कहा कि पिछले छठ में कवैया थाना में जाकर के हम लोग को पिछले बार भी तंग किया था, मारा पीटा था। लखीसराय के कवैया थाना में जाकर के इन्होंने शिकायत भी किया था, अगर जो पिछले बार एक्शन लिया होता तो आज ये नरसंहार नहीं होता। और यही एसपी था, ये मामला को निपना पोतना चाहता है। आज इसके संदर्भ में हम लोग बैठेंगे 12:05 में और ये बहुत सारे तथ्य हैं जिसको कहीं न कहीं भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, सत्य को छुपाया जा रहा है। ये प्रेम प्रसंग से जमीनी मामला अब वही लोग बोल रहे हैं, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वही कह रहे हैं कि जमीनी कारोबार करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं। तो साल भर पहले जो मारपीट हुआ और केस करने गया और थाने के अंदर कहा, एक्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसे एसपी और ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों सरकार नहीं कर रही है, क्यों बचाना चाहती है इन हस्तिनापुर के गुलामों को, क्या मजबूरी है इनकी, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का, हम तो कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराए।
या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन ये सत्ता से जुड़े लोगों को बचाना चाहते हैं, इसको ले करके ये भटकाना और छुपाना चाहते हैं, कर रहा है, गलत है। जो लड़का है वो मानसिक तौर पर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि इस तरह की भाषा का और शब्दों का जो लोगों ने बताया है वो प्लांट है, सारा प्लान वे में, ये भटकाने का खेल है। इसमें पूरी एक सिंडिकेट है, अभी भी ये कह रही थी, इसके पिता भी कह रहे हैं कि वहाँ दारू का बहुत बड़ा अड्डा चलता है। ये सारे लोग जो सफ़ेद पोश हैं वो बालू से भी जुड़े हैं, दारू से भी जुड़े हैं, और तीन चार लोग जमीन माफिया है जो लखीसराय के अंदर कई हत्याओं को अंजाम दिया है। इसीलिए हमने मांग किया है कि ये पूरा एक रैकेट है, और इस तरह के निर्दोष लोगों का, बहु बेटियों को डराना, तंग करना, उसको भागने के लिए, पलायन करने के लिए विवश करना, और विवश के लिए ये कश्मीर के तरह ये खेल शुरू हुआ है कि पहले बहु बेटी को उठा लो, उसके बहु बेटी को तंग करो, उसके बाद नहीं भागे तो फिर शूट कर दो। ये पूरे खेल है, इसकी साजिश का पर्दाफाश होना आवश्यक है। और इस एसपी को, इस डीआईजी, ये थाना प्रभारी के रहते नहीं, उस जो व्यक्ति धिक्कार है अपने लॉ एंड ऑर्डर संभालने के बजाय वो फोटो सजा रहा है, वो उसका डायरी का नोट लिख के दे रहा है। अरे आप जिस एंगल पर लोग डिमांड कर रहा था उसके ऊपर एक्शन कार्रवाई करने का, आप छुपाने और बचाने का खेल क्यों खेल रहे हो? तो जिसका माइंड सेट है वो कैसे न्याय देगा, वो कैसे कार्रवाई करेगा? कुमार जी बीमार हैं पूरी तरह से, और बिहार को बीमार कर दिए हैं। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, तुष्टिकरण की राजनीति से पूरा बिहार महामारी के चपेट में आ चुका है, और ऐसे लोग बिहार के हित में अब एक दिन भी उचित नहीं है।